वो कैसा है भाई? MJRP की जो एनर्जी है ना, एक वाइब होती है ना, किसी भी चीज़ के लिए एक वाइब होती है, वो मैटर करती है। यहाँ मैं आते मैंने पहले लाइन बोली कि यहाँ ठंड के मौसम में आना चाहिए, एक अलग एनर्जी आ जा रही है, आप ऊर्जावान हो जा रहे हो, एनर्जेटिक हो जा रहे हो, बिकॉज ये यूथ की एनर्जी है, ये इनकी पॉजिटिविटी है, एक वाइब बड़ा प्यारा है यहाँ पे, और बड़ा ही बहुत खुला हुआ माहौल है भाई, कि आप टीचर्स के सामने बच्चे जो है वो कर रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक संजीदा बात बोली तो सब चुप भी हो गए। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, ये नहीं होता कि सहमे रहो, आप मस्ती करो, मजाक करो, लेकिन जब आपको अच्छी बात कही जाए तो उस वक्त वो बात को सुनो। तो इसीलिए मैं बच्चों के जगह पे आके, आप चाहे MJRP की बात करें, मैं यहाँ पे आके इसलिए मैं प्यारे पापा का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म बच्चों के लिए, फैमिली के लिए है, जहाँ से चेंज ओवर आ सकता है। संतोष जी इज़ द डायरेक्टर। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी ग्लैड, और आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और ये फिल्म इसीलिए बनाई गई है कि ताकि एक समाज में एक हम पॉजिटिव जो है मैसेज कन्वे करें कि फादर होना बड़ी बात नहीं है, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो हम मैनर्स एंड एटिकेट्स देते हैं, जो वैल्यूज़ देते हैं, वो अपने बच्चों को समझना है, उनको हम जो सिखाएंगे वही सीखेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो बच्चे उससे बिगड़ जाएँ। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, पर मोस्टली जो है 99% जो होता है कि बच्चे अगर उनको संस्कार और वैल्यूज जो देते हैं वही आगे कैरी करते हैं और लिगेसी क्रिएट करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्यार पाके बहुत मज़ा आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। सर एक मूवी का डायलॉग है, शिष्टाचार पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वैसे ही कुछ मैसेज जीवन के लिए आवश्यक है। और वो बच्चा तब बोलता है जब हम क्या बोलते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं, वो बच्चा इसलिए बोलता है ताकि ये बात उसके फादर सुने। मतलब थॉट ये था इनका, और राकेश जी राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, थॉट लास्ट में हाँ, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं पिलाना था लोगों को, हमें बात कहनी थी, लोग इतने इवॉल्व हो गए, ऑडियंस बहुत तेज़ है भाई, वो बात समझ जाती है कि फिल्म किस मुद्दे को दर्शा रही है। तो उसमें यह है कि मोस्टली क्या होता है कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं, इसमें बच्चा बाप को सिखा रहा है। कल सर मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किया, उसमें ऑडियंस का सवाल आया कि क्या जो आपका एक अंदाज है और मूवी का एक जो कंटेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या आपका कुछ अंदाज भी उसमें देखने को मिलेगा हमको? मतलब मेरा क्या है, मोस्टली लोग ह्यूमर करते हुए देखते हैं, हंसी मजाक वाले में देखते हैं, मगर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, कि मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ तो उसमें सीरियस किरदार है तो सीरियस ही है। इस बार तो ये फिल्म मेरी मम्मी ने देख के बोला कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इससे पहले बड़ा कम ही किसी का होता है, इससे पहले देखती हाँ हंसाए बहुत, इसमें उन्होंने बोला बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा अभिनय किया है, तो अच्छा है, वो किरदार लोगों को पसंद आ रहा है, यही है रचनाकार, इन्होंने गढ़ा है, इनसे बात कीजिए। तो मैं तो क्या बोलना चाहूँगा, जो बोले यही बोलने का काम तो मैंने लिख दिया है। ये लेखक हैं और निर्माता हैं, तो सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे ऊपर थोप देते हैं, कहते हैं आप लोग जो भी है कीजिए, बोलिए कीजिए, आप ही लोगों का काम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोगों ने इसीलिए ये सेंसिटिव जो है सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है, और बहुत प्यारी फिल्म है, आप सब लोग देखेंगे हॉटस्टार पे, डिज्नी पे और मैक्स प्लेयर पे फ्री में, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अगेन, आई एम सेइंग थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू MJRP स्पेशली, थैंक्स टू MJRP और यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के जितने स्टाफ सब लोग, सबको, और जयपुर, स्पेशली जयपुर, थैंक्स टू जयपुर हक से, थैंक यू।